Redmi Note 4 के लिए साइफर OS का Android 12 का फर्स्ट बिल्ड आ गया है और ये ऑफिशियल बिल्ड है, फर्स्ट ऑफिशियल बिल्ड है। तो इसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन भी समझा दूंगा, हालांकि बाकियों की तरह सिमिलर ही है, JS इंक्लूड के साथ आया है। तो अब इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, फीचर्स एंड बग्स एंड बैटरी बैकअप एंड गेमिंग परफॉर्मेंस हो गया, फिर सिस्टम UI के मामले में लैग है कि नहीं, उन सभी के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इंस्टॉलेशन भी जैसे कि आपको समझा दूंगा किस तरीके से इंस्टॉल करना है, काफ़ी ईजी रहेगा बाकियों की तरह। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस है, साइफर OS 2.1 है और ऑफिशियल बिल्ड है। वहीं एंड्रॉइड वर्जन देखें तो 12 मिल जाता है, सिक्योरिटी पैच अपडेटेड बिल्कुल जनवरी 2022 का लेटेस्ट मिलता है और इसके अंदर कर्नल 4.9 बेस फ्यूजन का कर्नल है, सेलिनक्स इन्फोर्सिंग मिल जाता है। एंड सेटिंग्स इंटरफेस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से अलग अलग सेक्शन बने हुए, अलग अलग कैटेगरीज में मिल जाता है, कस्टमाइजेशन और सिस्टम हो अलग अलग सभी का दिया हुआ यहाँ पे। और सेटिंग्स के अंदर भी कुछ आइकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन जो आपको मिलते हैं उनके अंदर भी कुछ कुछ जगह मिलेगा आइकन्स। और नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहीं पर जैसे देखोगे तो आइकन सभी में मिल जा रहा है और यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, तो हॉटस्पॉट की दिक्कत इसके अंदर नहीं आती, हॉटस्पॉट आप आराम से यूज़ कर पाओगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिलहाल नहीं मिलता। और कनेक्टेड डिवाइस की बात करें, जैसे कि कनेक्शन प्रेफरेंसेस यानी कास्ट की बात करें, तो इसके अंदर कास्ट भी फर्स्ट टाइम में ही कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमें नहीं मिलती है। और फिर अब चलते हैं इसके ऐप्स की तरफ। तो ऐप्स के अंदर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ऐप्स यानी कि इसका होम ऐप यानी कि जो लॉन्चर है वो कौन सा मिलता है, तो क्विक स्टेप का लॉन्चर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये सेटिंग्स देखने को मिलने वाली इसके अंदर में। वहीं विजेट्स भी आपको दिखा दूँ, तो साइफर OS का भी विजेट्स आपको मिल जाएगा, साइफर का विजेट्स दिया गया इसके अंदर। और फिर क्लॉक के तो मिल ही जाते थे, ये साइफर वाला है, ये आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। एंड क्लॉक के 5 विजेट्स मिल जाते हैं, या इसका एनालॉग वाला क्लॉक अगर आप ऐड करोगे उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्लॉक फेसेस देखने को मिलने वाला है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। और ऐप्स के अंदर में यहाँ पे बाहर में स्क्रीन टाइम, अनसीन ऐप, ये सारी चीज़ें रहने वाली पहले की तरह। बाकी बैटरी के अंदर बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल मिल जाएगा, बैटरी यूजर्स मिल जाता है, बिल्कुल टाइम पे ऐड हो जाता है। और बैटरी सेवर मिल जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम बैटरी सेवर तो नहीं है, बाकी बैटरी मैनेजर भी मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 78% बैटरी मिली, वहीं 4 आवर नॉर्मल ब्राइटनेस के हिसाब से था पहले की तरह, तो उसके हिसाब से 65% के करीब बैटरी मिलने वाली है। और फिर चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे भी ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है, अच्छे से काम कर रहा है। और लॉक स्क्रीन के अंदर वैक्स इन्फो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। एंड स्क्रीन टाइम आउट भी दिया गया है, हालांकि स्क्रीन अटेंशन ऐसे कुछ नहीं मिलता, डार्क थीम में ये अच्छे से काम कर रहा है। और फिर नाइट लाइट भी काम कर रहा है, रोटेशन मिल जाता है और नीचे में टैप टू बैक मिल जाता है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। और लोकेशन की बात करें, वैसे GPS तो काम कर रहा है इसके अंदर, तो इसकी दिक्कत नहीं रहेगी। एंड साउंड के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, फ़ोन रिंगटोन मिल जाता है, मल्टीपल सिम रिंगटोन नहीं देखने को मिलेगा अभी फिलहाल इसके अंदर में। ये कुछ रिंगटोन्स हैं जो मिल जाएंगे इसके अंदर। मीडिया दिया गया है, मीडिया आपका सेम ही रहेगा बाकियों की तरह, वाइब्रेट फॉर कॉल मिल जाता है। और फिर नीचे अदर साउंड एंड वाइब्रेशन के सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, वाइब्रेशन भी काम कर रहा है। और यहाँ पे डायरेक्ट साउंड भी दिया गया, हालांकि मेरा तो काम नहीं कर रहा जैसे कि आप जानते हो, बाकी आपका काम करे तो कमेंट करके बता देना, मेरे हिसाब से काम कर ही रहा होगा, तो ऐसे फिर भी आपका काम करे तो कमेंट करके बता देना। एंड ऑडियो एम्पलीफिकेशन मिल जाता है जो कि ये काम कर रहा है। और अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले इंक्रिप्शन दिखा दूँ कि ये जो है आपका नॉट इंक्रिप्टेड रहने वाला, इंक्रिप्टेड रोम नहीं है, नॉट इंक्रिप्टेड। एंड फिंगरप्रिंट और पिन ऐड करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। तो फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, हल्का सा डिले देखने को मिल रहा है ज़रूर यहाँ पे, जैसे देखते रहो फ्लिप कर दे रहे हो उसके बाद ये अनलॉक हो रहा है। बाकी आपका स्क्रीन लॉक सेटिंग्स नॉर्मल ही रहेगा, स्क्रीन लेआउट ऐसा कुछ नहीं मिलता इसके पिन के साथ, तो ये आपका यहाँ पे फिलहाल अच्छे से उसे काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट उतना ज़्यादा भी कुछ डिले नहीं है, अच्छे से ही उसे काम कर रहा है। और फिर नीचे आपको मिल जाता है मोनेड इंजन, जिसमें आप यहाँ पे कलर, कस्टम कलर भी लगा सकते हो, जो कि अभी फिलहाल वॉलपेपर बेस्ड कलर यहाँ पे इनेबल है अभी। एंड ट्रैफिक इंडिकेटर है जो कि ये भी अच्छे से काम कर रहा है। वॉलपेपर्स के चलते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा डार्क थीम, थीम्ड आइकन जो कि अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है सभी आइकन्स पे। और फिर ऐप ग्रिड भी यहीं पे देखने को मिल जाते थे, ये पूरी सेटिंग्स मिल जाएगी। वहीं वॉलपेपर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको वॉलपेपर्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला जो है डिफ़ॉल्ट अप्लाई रहता है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये सभी वॉलपेपर्स हैं। और फिर नोटिफिकेशन के अंदर आपका बबल नोटिफिकेशन वाला प्रोग्राम रहेगा इसके अंदर भी, और बाकी के ऑप्शन आपके काम करें, ब्लिंक लाइट, इनहेंस नोटिफिकेशन। एंड एसेबिलिटी के अंदर एक्स्ट्रा डिम मिल जाता है, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा डिम का यूज़ कर पाओगे, काम कर रहा है।
और सब कुछ तो नॉर्मल ही है बाकी की तरह। डिजिटल वेबिंग की बात करें तो ये भी अच्छे से काम करे, इसके अंदर भी दिक्कत नहीं मिलती है। और अब चलते हैं सिस्टम के अंदर और यहाँ पे जाते हैं जेस्चर में। हालांकि यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन ये काम नहीं करेगा अभी फिलहाल, इसके अंदर इनेबल करने कहीं भी नहीं दिया गया है। ये कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग मिल जाती है बट आप इसे यूज़ अभी नहीं कर पाओगे। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन के अंदर असिस्टेंट है, ड्यूरेशन ऐड कर पाओगे। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट के अंदर आपको स्क्रीनशॉट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। डिलीट का ऑप्शन नहीं है, बाकी कैप्चर मोर मिल जाता है इसके अंदर और लास्ट में रिंगिंग मिल जाता है बाहर। फिर अपडेटर भी दिया गया है इसके अंदर में, तो ये अपडेटर यहाँ पे मिल जाएगा और यहीं पे डेवलपर ऑप्शन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। और लास्ट में सिस्टम यूआई ट्यूनर भी दिया गया जिसके अंदर स्टेटस बार के आइकन्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे। डो नॉट डिस्टर्ब का शॉर्टकट लगा सकते हो और नेविगेशन बार वाला सेक्शन तो पूरा क्रैश ही कर जाता है, तो इसका प्रॉब्लम रहेगा। एंड लॉक स्क्रीन की अगर हम बात करें शॉर्टकट की, तो ये भी अप्लाई करके देखा था पर अप्लाई नहीं हो रहा था, मे बी इसका भी प्रॉब्लम देखने को भी मिल रहा है इसके अंदर में। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं होम स्क्रीन में। सबसे पहले गूगल डिस्कवर की बात करें तो यहाँ पे स्लाइड करने पे हल्का हल्का लैग करता है, पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है। उसी तरीके से स्टेटस बार के अंदर भी एनिमेशन लैग देखने को आपको मिलेगा, तो एनिमेशन लैग रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ टाइल सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर इंटरनेट की बात करूँ तो आप सेकंड सिम पे अभी भी प्रॉब्लम आपको मिलने वाली, जैसे कि बाकियों में देखने को मिल रहा है वो प्रॉब्लम इसके अंदर भी रहने वाली है। और यहाँ पे आपको ये कुछ टाइल्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इतने ही टाइल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, थ्री डॉट पे रीसेट ही रहेगा। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करके एक बार दिखा दें तो उससे पहले आप देखोगे तो पावर मेन्यू के अंदर आपको एडवांस रिबूट मिल जाता है बाय डिफॉल्ट इनेबल, तो ये मिल जाएगा। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी और देखते हैं इसके अंदर लैग करता है या फिर नहीं करता है, तो ये भी आपको स्टार्ट करके दिखा देते थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैग कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको रहने वाली इसके अंदर में, लैगिंग काफ़ी कर रहा है जो कि दिक्कत देगा। बाकी वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से है बाकी की तरह। बाकी आपका जो ऐप ओपनिंग है इसके अंदर भी एनिमेशन लैग मिल जाता है, हालांकि एनिमेशन लैग बिल्कुल ज़्यादा ही एकदम हैवी लैग वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ लैगिंग आपको ज़रूर फील होती है यहाँ पे। ऐप ओपनिंग एनिमेशन जो है लैग करता है और नीचे स्क्रीनशॉट रीसेंट पे देखने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल सेम रहेगा सारी चीज़ें, और साइड में क्लियर ऑल मिल जाता है। वहीं कैमरे की बात करें तो नॉर्मल ही कैमरा देखने को मिलता है एसपी वाला। बाकी जीकेम अगर आप यूज़ करते हो तो इंस्टॉल कर लेना, अच्छे से काम कर रहा है, बस इसके अंदर स्लो मोशन काम नहीं करता। बाकी एप्लीकेशन भी लोकेशन वाले में इस तरह आएगा एंड जीकेम वैसे आपका काम कर रहे थे, यहाँ पर दिक्कत फिलहाल नहीं होती है बस स्लो मोशन को छोड़ के। और एडवांस कंट्रोल भी दिया गया है जिसके अंदर आप वाइब्रेशन या फिर टॉर्च कंट्रोल कर सकते हो, येलो व्हाइट को, स्क्रीन कलर आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ ओके गूगल को तो लेकर के, तो यहाँ पे ओके गूगल इसके अंदर काम करे चेक के बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर पाओगे। हालांकि गूगल फोटो इसके अंदर नहीं मिलता, ना ही उसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा अगर आप बाहर से भी करते हो। बाकी प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही रहेगा, बिल्कुल सेफ्टी नेट पास है, तो आप आराम से बैंकिंग ऐप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। और कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग के अंदर वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा, बाकी ब्लूटूथ के अंदर भी बग है, ब्लूटूथ के कॉलिंग में बग है, मीडिया पे तो काम कर रहा है, बाकी ब्लूटूथ कॉलिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली, बाकी मीडिया पे अच्छे से काम कर रहा था। और अब हम बात करें हार्डवेयर बटन लाइट की, तो इसका भी बग देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और एंटूडो स्कोर 97,224 देखने को मिला इसके अंदर में। और अब आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप जिस भी रोम पे रहोगे इसको फ्लश करने से पहले उसकी सिक्योरिटी पे आप जा करके चेक कर लेना इंक्रिप्शन को, कि आप रोम जो यूज़ कर रहे हो इंक्रिप्टेड है नहीं, जैसे कि मेरा नॉट इंक्रिप्टेड है। इसी तरीके से अगर आप MIUI यूज़ कर रहे हो तो MIUI के अंदर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाओगे, उसके अंदर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप इंक्रिप्टेड हुए तो फिर आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही अपना डाटा सारा कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो भी रोम यूज़ करो उसके अंदर से आप अपना स्क्रीन लॉक हटा देना। एंड अगर आप उसके अंदर अकाउंट लॉगिन करके रखो, गूगल अकाउंट हो या MIUI यूज़ करो, MI अकाउंट अगर यूज़ करो, तो उन सभी को रिमूव कर देना है आपको सिंपली, गूगल अकाउंट और MIUI अगर आप यूज़ करो रोम तो उसके अंदर से MIUI अकाउंट जो है ये सब रिमूव कर देना। उसके बाद आपको रोम सिंपली डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और इसके अंदर रिकवरी आप कोई भी यूज़ कर लेना, बस लेटेस्ट रिकवरी यूज़ करना है आपको। एंड उसके बाद सिंपली अपने फ़ोन को ऑफ कर देना है, ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को होल्ड करना है, जैसे वाइब्रेट हो लोगो आ जाए सिंपली आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप अपनी रिकवरी पे सिंपली बूट कर जाओगे। और रिकवरी पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंपली वाइप करना है यहाँ पे सबसे पहले, तो वाइप में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है टॉलविक कैश सिस्टम डेटा वेंडर इन पांचों को सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली स्वाइप टू वाइप कर देना है, जो कि मैं नहीं कर रहा सिर्फ समझा रहा आपको। तो ये जब वाइप आप कर दो उसके बाद आपको अपने इंस्टॉल पे जाकर उस फोल्डर पे जाकर यहाँ पे रोम रखे, रोम को सेलेक्ट करके सिंपली फ्लश कर देना है। थोड़ी देर वेट करना, रोम फ्लश हो जाए तो वाइप कैच करके सिंपली आपको यहाँ पे जो है रिबूट वही यूज़र करेंगे रोम फ्लश करने के बाद जो नॉट इनक्रिप्टेड रोम से आए हैं, तो यहाँ से रिबूट कर सकते हो रोम फ्लश करने के बाद। और जो इनक्रिप्टेड रोम से आए हुए हैं फिर उनके लिए, तो यहाँ पे रोम फ्लश करने के बाद सिंपली वापस वाइप पे जाओ, फॉर्मेट डाटा पे जाओ और यस लिख करके फॉर्मेट करके यहाँ पे सिंपली रिबूट करना है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे रोम को इंस्टॉल कर पाओगे। तो अब किसी को अंदर कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो ऐसे इजी है। बाकी रोम्स में भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर ही आपका इंस्टॉलेशन रहने वाला है। उसके बाद जो इसका बूट एनिमेशन है कुछ इस तरीके से गूगल का मिलता है और ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगता, वही बाकियों की तरह इसके अंदर भी 2 से 3 मिनट के अंदर ही हो जाता है। मोस्टली अगर ले लो तो 5 मिनट के अंदर ही होगा, उतना लेता नहीं। उन्होंने जस्ट सेटअप अपना कंप्लीट कर लेना है एंड यूज़ करना है। एंड अब बात करें गेम की, तो यहाँ पे गेम का जो VGMI का अगर हमारे ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम तक ही रहेगा जैसे कि हमेशा रहता, तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस में फिलहाल उतनी ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिलेगी, दिक्कत तो है इसके अंदर भी। हालांकि कोई पिंग इशू नहीं आता, ना ही एंड्रॉयड 12 के किसी दूसरी रोम में पिंग इशू ऐसा कुछ नहीं मिलता, बट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। रोम के अंदर भी UI लैग आपको अभी फिलहाल मिलने वाला है इसके अंदर में, जो कि काफ़ी फील होने वाला है। और कुछ हैवी एप्लीकेशन हो गया फिर तो उसमें आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ थोड़ी आपको देखने को मिलने वाली इसके अंदर में। तो बस यही था इसके इस वीडियो के अंदर में। और जैसे कि बताया UI लैग अभी आपको मिलेगा इसके अंदर और गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।